नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुजर। आज हम एक नया चटपटा लेके आ रहे हैं फिर से स्टार्टर के रूप में, जिसका नाम है क्रिस्पी चना चाट। तो क्रिस्पी चना चाट में हमने थोड़े सा डिफरेंट चाट बनाएंगे। डिफरेंट चाट बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, उसके लिए आज हमने काबली चने है, जिसको हम काबली चने बोलते हैं। ये है चिकपी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये चिकपी है। तो चिकपी का आज हम चाट बनाएंगे, जिसको काबली चाट बोलेंगे हम, चना चाट बोलेंगे जिसको क्रिस्पी करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये 2 से 3 घंटे के लिए भिगोना है, देन हमने 3 सीटी मारना है, तीन सीटी कुकर में मारना है। इसमें थोड़ा साल्ट डाल सकते हैं या फिर थोड़ा मीठा सोडा डाल सकते हैं, ताकि प्रॉपर ये बॉइल हो सकता है। ये मारने के बाद देन हमने इसको बनाने के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा मैदा है, इससे हम इसकी कोटिंग करेंगे, देन हम इसको फ्राई करेंगे। देन इसके बाद चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑनियन चॉप ऑनियन चाहिए, टमाटो चाहिए, ग्रीन चिल्ली चॉप चाहिए, हरा धनिया चॉप चाहिए, साल्ट चाहिए, टमाटो केचप चाहिए, ये आपके ग्रीन चटनी है जिसको मीट सॉस बोलते हैं, ये कर्ड है फेंट के रखा हुआ है, ये जिसको जीरो नमकीन बोलते हैं, बारीक नमकीन भी बोल सकते हैं, ये चाट मसाला है आपका, ये मिर्ची पाउडर है स्पाइस के लिए, ये चिली पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये लेमन जूस है, ये तो ये सब करके आज हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के बाद देन हम क्रिस्पी चना चाट बनाएंगे। तो मैं अभी पहले आपको पहले चने क्रिस्पी करके दिखाऊंगा, देन फ्राई करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम क्रिस्पी चना चाट कैसे मिक्सिंग करेंगे, इसको कैसे प्रोजेक्ट करके और कैसे खा सकते हैं तैयार करके। तो उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखना। ये जो चिकपी है, जो काबली चने है, इसको हमने ब्लांच करके रखा हुआ है, सॉरी बॉइल करके। तो अब इसको हम कैसे कोटिंग करके फ्राई करेंगे, इसको डायरेक्ट फ्राई करेंगे हम, उसके बाद क्रिस्पी करने के बाद देन हम मिक्स करेंगे इसको। तो आप वीडियो देखना। उसके लिए थोड़ा सा ये व्हाइट सॉल्ट टच करेंगे। व्हाइट सॉल्ट टच करने के बाद थोड़ा स्पाइस बनाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा चिली पेस्ट यूज कर सकते हैं, इससे भी क्या है प्रॉपर चटपटा बनेगा। ऐसे मिक्स करेंगे, स्पून से भी कर सकते हैं या फिर ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। ये मिक्स करने के बाद देन ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा, इसको आप मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी के छिड़े मार सकते हो इसको क्रिस्पी करने के लिए। तो थोड़ा सा वाटर के मैं अभी कैसे आपको ये कोटिंग करनी है ये, देन आप इसको डायरेक्ट डीप फ्राई करोगे, इसको सेलो फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिस्पी करना है हमें थोड़ा, तो वही तेल का टेम्परेचर 70+ होना चाहिए। देन हम इसको डीप फ्राई करके, मैं अभी आपको इसको क्रिस्पी करके दिखाता हूँ, देन हम चाट बनाएंगे। और ये इस तरीके से हमें फ्राई करना है इसको। कहाँ गए? तो इस तरीके से आप चने क्रिस्पी एकदम, आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा एकदम, यही ऐसा गोल्डन कलर एकदम। ये इस तरीके से आपको गोल्डन फ्राई कर लेना है। देन उसके बाद ये ऑनियन है आपका, फाइन चॉप ऑनियन 1 स्पून, 3 स्पून टमाटो चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप, देन उसके बाद चाट मसाला, ये आपका व्हाइट सॉल्ट, देन ये लेमन जूस 1 स्पून लेमन जूस, देन आपका एक स्पून टमाटो केचप, देन 1 स्पून आपका मीट सॉस, देन इसको मिक्स करना है आप। क्रिस्पी चना चाट बनके तैयार हो गया। आपको भी इसी तरीके से बनाना है, इतना ही सॉस डालना है, इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको टमाटो केचप डालना है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको मिंट सॉस डालना है। अब हम इस पे ऑन टॉपिंग थोड़ा सा ये मिंट सॉस है आपका, ये इस तरीके से डालोगे आप लाइन अप करके,
थोड़ा टमाटो केचप या टम्बरिंग सॉस भी डाल सकते हो आप, जिसको लाल चटनी बोलते हैं। ये दही फिटा हुआ आपका, ये दही है, ये भी डाल सकते हो। देन आपका ये जीरो नमकीन है, ये जीरो नमकीन हो गया, ये आपका इस तरीके से एक कोरिएंडर चॉप हो गया। साइड में हम कुछ भी और प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हमने खीरा कट करके रखा हुआ है जिसको कुकुम्बर बोलते हैं, ये इस तरीके से इसको भी इस तरीके से आप लगा सकते हो चारों तरफ से खीरा काट के राउंड अप में, ऊपर से लेमन लगा सकते हो, कोरिएंडर लीव्स लगा सकते हो। प्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी चीज़ से प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी वेजिटेबल से, टमाटर से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका आज हमने जो बनाया है, एकदम जैसे भी घर पे भी किसी भी तरीके का माहौल हो तो उसमें हम थोड़ा सा मन कर रहा है चटपटा खाने का या फिर ऐसे चाट बनाने का, तो घर पे इजी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में, होममेड स्टाइल में आप क्रिस्पी चना चाट बना के खा सकते हो, देन सर्व भी कर सकते हो विद फैमिली या मेहमान, किसी के लिए भी बना के तैयार कर सकते हो आप। तो इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, देन बनाने की आप कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में मेरे को मैसेज कीजिए, कोई भी और एक चाट आपके लिए लेके आऊँगा मैं, तो वो भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी। थैंक यू सो मच।